वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आ गई और एक नया रेसिपी लेके आज मैं आ गया क्यूकम्बर लस्सी लेके। तो क्यूकम्बर लस्सी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए मैं लिया है 2 क्यूकम्बर। क्यूकम्बर आप लोग आपके हिसाब से ले सकते हैं। मैं एक्चुअली 2 ग्लास बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 क्यूकम्बर लिया। आप लोग चाहे तो भर के भी कर सकते हैं। और साथ में वो दही लिया, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, शुगर, और साथ में मैं डेकोरेशन के लिए ले लिया है 2 मिंट का पत्ते। तो चलिए पहले मैं क्यूकम्बर को काट लेती हूँ। छोटा छोटा पीसेस करके इसमें मैं ऐड कर लूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। साथ में ऐड करूंगी नॉर्मल सॉल्ट। शुगर ऑप्शनल है, कोई चीनी कम खाता है तो कम ऐड कीजिए, अगर नहीं खाते तो स्किप कर सकते। मैं इतना ज्यादा शुगर ऐड नहीं किया बिकॉज दिस इज क्यूकम्बर लस्सी और इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो चलिए अभी मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। क्यूकम्बर कितना अच्छे से पेस्ट हो गया। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कर्ड और इसके साथ थोड़ा मैं पानी ऐड करूंगी। मैं ऐड कर दिया पानी। पानी और ज्यादा ऐड कर देती हूँ। रेडी हो गया क्यूकम्बर लस्सी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी आइस क्यूब। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले ही बोला था कि मैं 2 ग्लास बना रही हूं, तो 2 क्यूकम्बर मेरे लिए बस था। अभी जस्ट मैं ऊपर में गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ थोड़ा जीरा पाउडर। थोड़ा मिंट। बस तो मेरा रेडी हो गया क्यूकम्बर लस्सी। आप लोग घर में ऑब्वियसली बना के खाइए और खाने के बाद कैसा लगा ऑब्वियसली मेरे को बोलिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसमें क्यूकम्बर का एक छोटा सा टुकड़ा जस्ट फॉर डेकोरेशन ऐड कर देती हूँ। तो देखिए मेरा रेडी हो गया ठंडा ठंडा क्यूकम्बर लस्सी। गर्मी का टाइम है, अगर आप बाहर से आ रहे हो तो घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा दही और थोड़ा क्यूकम्बर डाल के ये ठंडा ठंडा क्यूकम्बर लस्सी आप लोग जरूर पी सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स पेशेंट। आपको इसमें शुगर ऐड करना या शुगर स्किप करना योर चॉइस, बट अगर घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसको चीनी ना डाल के भी दे सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में वो बेल बटन ऑब्वियसली क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल बटन ऑब्वियसली क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। और अभी हम मजा लेते हैं।
ये ठंडा ठंडा क्यूकम्बर लस्सी।